अस्सलाम वालेकुम। चैनल 99 पर प्रोग्राम है हेल्थ इज लाइफ और मैं हूं यासिर अब्बास। जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि जहां कहीं भी होंगे बखैर आफियत होंगे और साथ ही साथ अपनी ज़िंदगी भरपूर अंदाज में गुजार रहे होंगे। नाज़रीन, आज हमने जिन मौजूआत का इंतखाब किया है वो है हर्निया, और इसके साथ साथ हम बात करेंगे वेट लॉस सर्जरी के मुतालिक। और आज इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमने मदऊ किया है हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान डॉक्टर सैयद आसिफ अली, लैप्रोस्कोपिक एंड वेट लॉस सर्जन। तो आइए दोस्तों इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह यासिर, बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। थैंक यू सो मच सर, आपका शुक्रिया कि आप आज हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। और डॉक्टर साहब, आपसे सबसे पहले सवाल ये करना चाहेंगे कि हर्निया, हर्निया क्या है? यासिर, हर्निया जो है वो कोई भी पेट की दीवार जो कमज़ोर हो जाए और वहाँ से पेट के जो अंदर की चीज़ें वो बाहर आना शुरू हो जाए, ये एक आसान जबान में समझने के लिए हर्निया इसको कहते हैं। अब हर्निया की बहुत सारी किस्में हैं, बहुत सारी डिफरेंट साइट पे एब्डोमेन के हर्निया होता है। मोस्ट कॉमन इनगॉइनल हर्निया मेल्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है, इसी तरीके से फीमेल्स में पैराम्बलिकल हर्निया, नाक के पास हर्निया हो जाना, वो बहुत कॉमन है। इसके अलावा कुछ हर्निया ऐसे होते हैं जो ऑपरेशन के बाद हो जाते हैं, उसको इंसिजनल हर्निया कहते हैं, वो भी कॉमन है। तो हर्निया की अगर तारीफ डेफिनेशन यही है कि पेट की चादर दीवार कमज़ोर हो गई और जो पेट के अंदर की चीज़ें वो बाहर आना स्टार्ट हो गई, ये हर्निया है। ठीक। और डॉक्टर साहब, नॉर्मली ये भी देखा जाता है कि जो आपका बैली का जो पोर्शन है ये एकदम राउंड सा बाहर की तरफ आ जाता है, तो आया ये भी हर्निया में ही शुमार? जी हाँ, इसको हम पैराम्बलिकल हर्निया कहते हैं। पैराम्बलिकल हर्निया से मुराद ये है कि चूँकि अम्बिलिकस जो नाफ के पास का एरिया है, वहाँ से पेट के अंदर जो है वो चर्बी या आँत वो बाहर आ रही है। ये ज़्यादा कॉमन फीमेल्स के अंदर होता है और उन ज़्यादा उनमें कॉमन होता है जिनकी मल्टीपल प्रेगनेंसीज हुई हों, और ये हर्निया फीमेल्स में ज़्यादातर पाया जाता है। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि आया हर्निया का इलाज जो है वो जस्ट अद्वियात से मुमकिन है? नहीं, देखिए, हर्निया जो प्रॉब्लम है वो एक मैकेनिकल प्रॉब्लम है, एक ऐसी चीज़ जो कमज़ोर हो गई है, अब उसको दवाइयों से ठीक नहीं किया जा सकता, अब जब तक कि उस जगह को बंद ना किया जाए ऑपरेशन के ज़रिए। ठीक। अच्छा, ऑपरेशन हर्निया का वाहिद हल सर्जरी ही है, ताकि हर्निया की जो कॉम्प्लिकेशन है वो ना हो। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, हर्निया मर्दों और औरतों में अगर देखा जाए तो इसका क्या रेशियो है और किन लोगों को ये हर्निया ज़्यादा होता है? अच्छा, हर्निया की वजूहात में से बहुत कॉमन है कि प्रेशर पेट का बढ़ना किसी वजह से, और दूसरा प्रेगनेंसी फीमेल में, वजन उठाना, कॉन्स्टिपेशन, क्रॉनिक कॉफ, ओल्ड एज में स्ट्रेन करना यूरिनेशन में, ये जब ज़्यादा तसलसल से होगा उनको हर्निया हो जाएगा, जैसे मेल्स में इनगॉइनल हर्निया, फीमेल्स में पैराम्बलिकल हर्निया। ठीक। और डॉक्टर साहब, लेकिन अगर तनासब की बात की जाए तो आपके पास ज़्यादातर यानी क्या है कि मर्दों में ज़्यादा है या खवातीन में ज़्यादा? देखिए, इनगॉइनल हर्निया मेल्स में ज़्यादा होता है, वही मरीज़ आते हैं। जब पैराम्बलिकल हर्निया की बात होती है तो ज़्यादातर खवातीन ही उसमें होती हैं, और इंसिजनल हर्निया वो होता है जो किसी ऑपरेशन किया गया किसी वजह से और उसके बाद हर्निया हो गया, वो मिक्स है। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर देखा जाए हर्निया की सर्जरी के बाद तो आया कि तब भी खदशा ये बरकरार रह सकता है कि दोबारा हर्निया हो सकता है? जी हाँ, देखिए, हर्निया का ट्रीटमेंट सर्जरी है, और सर्जरी में भी ख़ास एक टेक्निक है जिसे जाली या मैश रखना कहते हैं, जिससे हर्निया दोबारा नहीं होता। लेकिन जब आप जाली रख देते हैं उसके बावजूद कुछ चांसेस होते हैं हर्निया होने के, अगर मरीज में पेट का प्रेशर बढ़ रहा है किसी वजह से, हो सकता है 5-6-7 साल बाद उसको दोबारा हर्निया हो, और ये भी मुमकिन है हर्निया ना हो। ठीक है, तो चांसेस लेकिन हो सकते हैं हर्निया दोबारा होने का। ठीक है। और डॉक्टर साहब, ख़ासतौर पर अगर बात की जाए बच्चों की तो क्या ये बच्चों में भी हो सकता है? जी हाँ, देखिए, पैदाइश के टाइम बच्चों में हर्निया हो सकता है, जैसे बच्चा पैदा हुआ बाज़ औक़ात इनगॉइनल हर्निया वो डिफेक्ट है जो कि ठीक नहीं हुआ और बेबी उसके साथ बॉर्न हो गया, या अम्बिलिकल हर्निया उसके साथ बॉर्न हो गया, अब उसमें इनगॉइनल हर्निया जो है उसको रिपेयर की ज़रूरत है, लेकिन अम्बिलिकल हर्निया में हम वेट कर सकते हैं, चंद साल हो सकता है वो खुद ही वक्त के साथ ठीक हो जाए अगर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, लैप्रोस्कोपी के ज़रिए हर्निया सर्जरी, तो लैप्रोस्कोपी टेक्नोलॉजी जो है इससे क्या क्या आसानियां पैदा हुई हैं हर्निया की सर्जरी में? देखिए, लैप्रोस्कोपी में एक जो कलेक्टिव उसका एडवांटेज वो ये है कि पेन लेस है, कॉस्मेटिक स्कार उसका कम आ रहा है, और पेशेंट मोबिलाइज ऑपरेशन के बाद जल्दी हो गया, और क्योंकि उसको पेन नहीं है, और डिस्चार्ज भी अस्पताल से जल्दी हो जाता है, तो स्कार कम बनता है, निशान कम आता है ऑपरेशन का, पेन कम है, पेशेंट चल फिर जल्दी सकता है इमीडिएटली और नेक्स्ट डे अपने घर जा सकता है।
सही। और डॉक्टर साहब, ख़ास तौर पर अगर बात की जाए यानी पोस्ट ऑप सर्जरी, तो क्या वेट बेयरिंग मना हो जाती है? देखिए, वेट बेयरिंग मना नहीं है, लेकिन वो काम जिससे पेट का प्रेशर बढ़ जाए, फॉर से कॉन्स्टिपेशन है, स्ट्रेनिंग है, यूरिनेशन, पेशाब करते हुए जोर लगाना पड़ा बुढ़ापे में खासतौर पर मर्द हजरात को, या हर्निया रिपेयर करवाए लेकिन उसके बाद खवातीन को प्रेगनेंसी हो रही है, तो उसमें चांसेस बढ़ जाते हैं फिर हर्निया होने का दोबारा। ठीक, क्योंकि उसमें बाजू का ये भी खदशा हो सकता है ना सर कि दोबारा अगर गेस्टेशनल कोई इफेक्ट आ गया तो ऑब्वियसली फिर हो सकता है कि उनको जाली भी काटनी पड़ जाए। हाँ ना, जाली के साथ भी हर्निया हो सकता है, तो ये कुछ एहतियातें वो करना ज़रूरी है। ठीक, तो डॉक्टर साहब एहतियात के मुताबिक अगर बात की जाए तो वो क्या एहतियात होंगी? देखिए, हम पेशेंट को डिस्चार्ज होते हुए कहते हैं वज़न 3 से 4 किलो से ज़्यादा वज़न आपने नहीं उठाना, आपको कब्ज़ नहीं होना चाहिए, अगर खांसी या दमक है उसकी दवाई लें, ठीक है। और ख़वातीन को हर्निया से पहले बता देते हैं, अगर उनकी फैमिली कंप्लीट नहीं है तो वो उनको नेक्स्ट प्रेगनेंसी में हर्निया दोबारा हो सकता है। ठीक, तो एहतियात क्या है? कब्ज़, खांसी, वज़न नहीं उठाना 3 से 6 हफ्ते तक। ठीक, यानी उसके बाद आप चाहें तो उसके बाद रूटीन उसमें आ सकते। ठीक, अच्छा डॉक्टर साहब, अगर तशखीस की बात की जाए तो हर्निया की तशखीस कैसे की जा सकती है? देखिए, हर्निया की तशखीस टोटली क्लिनिकल है, एग्जामिनेशन से मरीज के पता चल जाता है हर्निया है, लेकिन बाज़ हर्निया ऐसे होते हैं कि जिनको पता कराने के लिए अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन करना पड़ता है, और बाज़ हर्निया ऐसे इतने बड़े होते हैं कि उसको ऑपरेट करने से पहले सीटी स्कैन पेट का करवाना लाजमी होता है। ठीक, ताकि पता चल सके कि मामला पता चल सके रिपेयर किस तरह करना है और उसकी नौयत क्या है। ठीक, अच्छा डॉक्टर साहब, हर्निया के हवाले से एक सवाल ये भी बहुत ज़्यादा होता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको बहुत पेट भर के खाना खाने की आदत होती है, तो नॉर्मली लोग ये भी कहते हैं कि यार अगर आपके पेट का प्रेशर ज़्यादा है तो आप इतना पेट भर के ना खाएं कि आपका बैली जो है वो दोबारा आगे आ जाए। नहीं देखिए, पेट खाना खाने से हर्निया का कोई ताल्लुक नहीं है, एक मिथ है समझ लें। हर्निया का ताल्लुक सिर्फ उन्हीं चीज़ों से, या तो इनहेरिटेड है, फैमिली में किसी को हर्निया हो रहा है तो ज़्यादा चांस है। अच्छा, स्मोकर्स में हर्निया ज़्यादा होता है जो सिगरेट तंबाकू नोशी कर रहे हैं, या जो वेट लिफ्टिंग ज़्यादा कर रहे हैं, ओबेसिटी है उसमें हर्निया ज़्यादा है, पेट का प्रेशर बढ़ रहा है, कब्ज है, खांसी है, उससे हर्निया होने के चांसेस ज़्यादा है। अच्छा डॉक्टर साहब, बात की जाए अगर मोटापे के हवाले से, तो मोटापा कितना नुकसानदेह? देखिए, मोटापे की वजह से लोग जो सफ़र कर रहे हैं, जिनको मोटापा है, एक तो वज़न बढ़ने से चलना फिरना कम हो जाता है, दूसरा उस एक्स्ट्रा वेट की वजह से जॉइंट्स में पेन होना, घुटनों में, कमर में दर्द रहना। अच्छा, फिर जो इजाफी वेट है, तो आप ये समझ लीजिए कि किसी के कंधे पे अगर बोरियां रखे वो दिन रात चल रहा हो, तो उसका हार्ट और उसके लंग्स सब कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगे, तो ओबेसिटी की कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हैं। तो वक्त के साथ वज़न बढ़ जाना और फिर अर्ली डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, जॉइंट पेन में इन्वॉल्व हो जाना, तो ये जो है ना ओबेसिटी के प्रॉब्लम्स हैं। सही, यानी इसका मतलब ये सर कि एक कॉज की वजह से आप मल्टीपल कॉजेज़ का शिकार हो सकते हो, लिहाजा बेहतर है कि उसमें एहतियात की जाए। ठीक, अच्छा डॉक्टर साहब, अगर बुनियादी वजूहात की बात की जाए तो वो क्या क्या हैं मोटापे की बुनियादी वजूहात? सबसे पहले तो ये है कि आपने कैलोरी ज़्यादा ले रहे हैं, यानी खाने की जो है वो आप इतना खा रहे हैं कि जितनी रिक्वायरमेंट उससे ज़्यादा, तो जब आप ज़्यादा खाएंगे तो वो ज़्यादा फैट की चर्बी की सूरत में जिस्म में डिपॉजिट हो जाएगा। और चर्बी भी दो तरह की, एक वो जो पेट के अंदर होती है जो हमें नज़र नहीं आती, और एक जो पेट के बाहर होती है जो पेट बड़ा नज़र आता है। ये दोनों चर्बियाँ मुख्तलिफ किस्म की हैं और ज़्यादा खाने की वजह से ये पेट में जमा होती है। ठीक, और डॉक्टर साहब वैसे नॉर्मली जो है अगर कुछ लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं जिसे मर्दों ख़वातीन दोनों शामिल हैं कि वो अमूमन ये बात करते हैं कि यार हम बहुत ही कम हमने कर दिया अपना खाना, लेकिन फिर भी हमारा वज़न कम नहीं हो रहा। देखिए, मैं आप अगर 100 मरीजों से मिले जो कि मोटापे के शिकार हो, 100 से पूछें तो शायद 100 के 100 ये कहेंगे हम ज़्यादा खाना नहीं खाते। अच्छा। ठीक है, तो जो डाइटरी हैबिट्स है ना उसको कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल है मरीज के नॉइज वो किस। देखिए, हर चीज़ की कैलोरिक रिक्वायरमेंट है, फॉर इंस्टेंस जो मीठी चीज़ है, जो भी चीज़ जो मुँह में मेल्ट हो जाए उसकी कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती है। सही, ठीक है ना, तो अब कैलोरी अवेयरनेस होना और उसके बाद कैलकुलेट करना एंड ऑफ द डे कितना आप इनटेक है, इसके लिए बाज़ औक़ात एक डायरी भी मेंटेन करते हैं पेशेंट, जो सुबह से लेकर सोने तक क्या क्या खाया वो सब उसमें लिखते हैं और फिर उसको कैलकुलेट करते हैं कितनी कैलोरीज है। ठीक डॉक्टर साहब, अगर हर चीज़ मुँह में रखते मेल्ट हो जाए उसकी कैलोरीज बहुत ज़्यादा है, तो इसमें तो जिसे कहते हैं कि सर फहरिस्त चॉकलेट और उसके साथ साथ आजकल जो लोग खा रहे हैं चर्बी, चर्बी बहुत ज़्यादा है सर कि इवन अक्सर ऐसे लोग भी देखे हैं कि जो ख़ास तौर पर जो बोटियां खाने के शौकीन हैं तो साथ में जब तक चर्बी का मज़ा ना लें तो उनको मज़ा नहीं आता सर। देखिए, जो जो चीज़ बहुत डेंजरस है ना वो आपके इन फॉर्म ऑफ चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक्स और मिठाई, सही, जो कि एकदम से कैलोरीज बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। सही,
ठीक ठीक अच्छा डॉक्टर साहब, साथ ही साथ अगर बात की जाए कि वक्त बे वक्त की रूटीन की, तो आया इसकी वजह से भी आपका वज़न बढ़ने का ख़तरा बढ़ जाता है? देखिए, एक तो डाइटरी इम्पैक्ट इफेक्ट है जो कि ओबेसिटी की कॉज है, दूसरा जो है जेनेटिक है, और तीसरा एनवायरमेंटल है। यानी कि जेनेटिक से मतलब है कि किसी की फैमिली में अगर ओबेसिटी है तो उसको चांस होगा ओबेसिटी होने का। एनवायरमेंटल ये है कि अब चूंकि लाइफस्टाइल इतना स्लो हो गया कि हर चीज़ आपके एक जगह बैठ के आप हर काम कर सकते हैं मोबाइल के थ्रू, तो फिजिकल एक्टिविटी पहले भी नहीं थी और बिल्कुल ख़त्म हो गई, उसके ऊपर आप कैलोरीज इनटेक ज़्यादा तो वेट एक्सेस हो जाता है। ठीक डॉक्टर साहब, यहीं से गुफ्तगू का दोबारा आगाज़ करेंगे। नाज़िम, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा वक्फा, तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। अम्मार आइकॉन टावर, फोर के चौरंगी और नॉर्थ कराची अल्लाह वाली चौरंगी के संगम पर गुलशन कनीस फातमा सोसाइटी में 300 फुट चौड़े मेन रोड से मुत्तसिल बाएतमाद और बावकार अम्मार डेवलपर्स एंड बिल्डर्स पेश करते हैं अम्मार आइकॉन टावर, SPCA से मंजूर शुदा 2, 4 और 5 कमरों के बेमिसाल लग्जरी अपार्टमेंट्स, 300 फुट चौड़े मेन रोड पर आलमी मेयार की तर्ज रिहाइश, शानदार सहूलियात और आसाइशात के साथ खुशहाल मुस्तकबिल की तामीर, शहर के दरमियान लाजवाब लोकेशन, रिहायशी कमर्शियल प्रोजेक्ट अम्मार आइकॉन टावर, कुंजान आबादी के दरमियान पुरसुकून और बाइतमान रिहायश, ग्रीन बस स्टैंड प्रोजेक्ट के चंद कदम के फासले पर, आपके देरीना तसव्वुर से अपने घर की हकीकी तस्वीर तक जदीद और कुशादा अपार्टमेंट्स अम्मार आइकॉन टावर, जिंदगी का सफर और भी खुशगवार, कुशादा बेडरूम्स, वसी टीवी लाउंज, बावकारो कुशादा ड्राइंग रूम, फिनिश्ड किचन, इंपोर्टेड टाइल से आरास्ता बाथरूम्स, लोड शेडिंग से मुकम्मल निजात, 24 घंटे बिजली की फराहमी, प्रोजेक्ट का अपना सोलर पावर बैकअप, 24 घंटे मीठे पानी की फराहमी, प्रोजेक्ट का अपना RO प्लांट, प्रोजेक्ट की अपनी मस्जिद, फ्री कार पार्किंग, फायर फाइटिंग सिस्टम, गार्बेज शूट, CCTV कैमरा, फ्री वाईफाई, जदीद इंपोर्टेड लिफ्ट्स, वसी रिसेप्शन लॉबी, जदीद इंटरकॉम सिस्टम, अंडरग्राउंड केबल वायरिंग, लेडीज एंड जेंट्स जिमनेजियम, चिल्ड्रन प्ले एरिया, 24 घंटे सिक्योरिटी, 24 घंटे ट्रांसपोर्ट, बाइट बनानो जदीद सहूलियात से आरास्ता अंदाज़े जिंदगी, आसान महाना एक साथ पर बुकिंग सिर्फ 45,000 रुपए से, महाना किस्त सिर्फ 12,000 रुपए से। अम्मार डेवलपर्स एंड बिल्डर्स पेश करते हैं अम्मार आइकॉन टावर। बुकिंग और तफसीलात के लिए अभी राब्ता करें। मार्केटिंग की दुनिया का बाएतमाद मारूफ नाम, ISO सर्टिफाइड 9001:2015, TI मार्केटिंग नेटवर्क, सेल नंबर 0309-222-9914, 0330-3587-119, फोन नंबर 0213640312 and 4। वेलकम बैक नाज़रीन, डॉक्टर सैयद आसिफ अली इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, लैप्रोस्कोपिक सर्जन एंड वेट लॉस सर्जन। तो आइए गुफ्तगू का दोबारा आगाज़ करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, साथ साथ आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि मोटापे से बचने के लिए हम क्या रूटीन अपना सकते हैं? देखें सर, अगेन डाइटरी आपको बहुत वॉच करना होगा अपना, और फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना होगा। फिजिकल एक्टिविटी जब हम बढ़ाते हैं तो नॉर्मली वॉकिंग, जॉगिंग या पुशअप्स या स्क्वाट्स ये हम घर पे कर सकते हैं, लेकिन हम वो फिजिकल एक्टिविटी ऐसी नहीं कर सकते जैसे एथलीट करते हैं, जैसे कोई फुटबॉलर है या वो, क्योंकि हमारा प्रोफेशन ऐसा वो नहीं है। तो हमें फिजिकल एक्टिविटी प्लस डाइट दोनों को लेकर चलना है कि हमारा वेट इंक्रीज ना हो। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जब हम ये कहें BMI जैसे बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं, अगर वो 40 से क्रॉस कर गया तो फिर बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो उसको इतना ले आए कि वो बैक टू 27-26 आ जाए, तो उसमें भी सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, और नॉर्मली सर मैं चाहूँगा कि आप अपना भी एक तजुर्बा शेयर करें, जो वाकई आपने अभी रिसेंटली मुझसे शेयर भी किया था तस्वीर की फॉर्म में, तो वो क्या केस था और क्या उसमें रिजल्ट आया सर? देखिए, एक तो ओबेसिटी रिलेटेड था जो पेशेंट, वो 180 kg। अब 180 kg पे उनके लिए बड़ा मुश्किल है चलना फिरना, और जिस प्रोफेशन से और उसमें ज़्यादा वॉकिंग और ट्रैवलिंग बहुत है, तो सांस का फूल जाना और फिर जो है ना थकावट हो जाना, जिस्म में दर्द होना, कमर का दर्द, जॉइंट का पेन,
तो जब उनको ऑपरेट किया था उनको तकरीबन अब अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 1.5 साल होने को है और उनका तकरीबन 60 kg कम हो गया है वेट। तो जिस वजह से ओवरऑल उनकी मोबिलिटी उनकी समझे से वो बैक टू लाइफ अब आ गए। तो वेट रिड्यूस होने में आपको तकरीबन 12 से 16 महीने लगते हैं ग्रेजुअल वेट लॉस होता है उस प्रोसीजर के बाद। लेकिन जब वेट लॉस होता है डेफिनेटली वो समझे आपको एक रिवैम्प एक नई उसमें आ जाते हैं आपका लुक चेंज हो जाता है आपके चलना फिरना आपकी प्रॉब्लम सारी कम हो जाती है। ठीक। और डॉक्टर साहब वैसे आप मुझे ये भी बताइएगा कि सर्जरी की वजह से मतलब ऐसा क्विक इफेक्ट आता है आपकी लाइफ में? नहीं देखिए जो बैरियट्रिक सर्जरी है वेट लॉस सर्जरी है उसका इम्पैक्ट इमीडिएट नहीं है वो अगेन 12 से 16 महीने लगेंगे 17 महीने जब एक्सेस जो वेट है वो रिड्यूस होगा। जो इमीडिएट आता है वो कॉस्मेटिक सर्जरी में आता है जैसे टमी टक हो गया पेट लटका हुआ है ठीक है ना उसको आपने ठीक कर दिया वो इमीडिएट इफेक्ट है। तो बैरियट्रिक में टाइम लगेगा 1.5-2 साल। ठीक। और नॉर्मली सर ये भी मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन को ज़रूर बताएँ कि अगर किसी की सर्जरी हो गई है तो वो दोबारा अपनी पुरानी रूटीन की तरफ ना जाए कि दोबारा से फिर वो फास्ट फूड ले रहा है दोबारा से फिर वो जो है वो बर्गर्स भी ले रहा है और बाकी की चीज़ें भी ले रहा है। तो इस हवाले से मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर बना जो लोग वेट लॉस सर्जरी करवा चुके हैं उनको ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो वेट रीगेन हो सकता है और वेट रीगेन उसी सूरत में होगा जब वो ओवर फीडिंग करेंगे। और बास प्रोसीजर्स ऐसे होते हैं कि शुरू में ओवर फीडिंग से उनको वॉमिट होती है लेकिन बास इतना यूज टू होते हैं कि ग्रेजुअली जो पाउच छोटा किया होता है वो ग्रेजुअली बड़ा हो जाता है वो सब अकोमोडेट करता है तो वेट रीगेन हो सकता है उसमें। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब अगर रेशियो वाइज बात की जाए तो मर्द और खवातीन दोनों में मोटापे का मर्ज एक जैसा है? जी हाँ दोनों में अभी मर्द और खवातीन में बिल्कुल है। एक एडिशनल चीज़ ये कि चाइल्डहुड ओबेसिटी है अब जो बच्चे 7-8 साल 9 साल उनमें ओबेसिटी है बहुत ज़्यादा देखी जा रही है उसकी वजह ये फास्ट फूड है सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं और फिजिकल एक्टिविटी कुछ भी नहीं है मोबाइल और सोफे पे बैठ के पूरा दिन बैठे रहते हैं तो ये वजह चाइल्डहुड ओबेसिटी है बहुत क्योंकि चाइल्डहुड ओबेसिटी ज़्यादा डेंजरस है क्योंकि जैसे वो टीनेज और उसमें जाएगा डायबिटीज़ हाइपरटेंशन तो जो उसकी कॉम्प्लिकेशन है वो अर्ली लाइफ में आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब आपका एक बड़ा प्यारा एक जुमला था जो मुझे आज भी याद है विच इज़ ईजी एक्सेस टू फूड इसका क्या नुकसान है इसके हवाले से बताइए। देखिए ईजी एक्सेस फूड का यह है कि अभी हर एक के घर में फ्रिज में तकरीबन हर चीज़ अवेलेबल होती है अब अगर कोई अपने आप को रोके हुए खाने से तो लेकिन उसके घर में मौजूद है फ्रिज में रखा है 2 कदम पे वो खा सकता है अब उसके लिए अपनी डाइट करना मुश्किल हो जाएगी कुछ दिनों तक तो वो कर सकता है लेकिन जैसे वो चूँकि बॉडी हार्मोन्स ऐसे होते हैं कि आपको भूख लग रही होती है तो एक्सेस टू फूड बिकम्स वेरी ईजी इन टर्म्स आपके फ्रिज में है और आप बाहर भी जाने की जरूरत नहीं कॉल करें घर पे कोई आपको डिलीवर कर जाएगा तो ये सब कंट्रीब्यूटिंग टू ओबेसिटी। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब वैसे मुकम्मल निजात के लिए सर्जरी ही ज़रूरी है मोटापे में? देखिए सर्जरी की इंडिकेशन तब होती है कि जब BMI 35 से ज़्यादा है 35 और 40 के दरमियान है साथ उसको डायबिटीज़ हाइपरटेंशन भी है तब सर्जरी की इंडिकेशन है 40 से ऊपर जितने भी हैं उनको सर्जरी के बगैर बहुत कम चांस है कि वो अपना वेट लूज़ कर सकें। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब साथ ही साथ अगर सक्सेस रेशियो की बात की जाए तो आफ्टर सर्जरी सक्सेस रेशियो कितना है? देखिए हर प्रोसीजर की अपनी कॉम्प्लिकेशन है मरीज़ को अच्छे तरीके से समझाया जाता है कि इस ऑपरेशन से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं वो छोटा भी प्रोसीजर हो चाहे बड़ा हो ठीक है इससे हट के जैसे एक पेशेंट डायबिटीज़ जिसको होती हो मीठा नहीं खाएगा हर जगह जाएगा इसी तरह जिनके बैरियट्रिक प्रोसीजर हो जाता है तो उनके लिए भी एक रूटीन डिसिप्लिन लाइफ होती है कि आपने इससे नहीं हटना वरना आपका वेट रीगेन हो जाएगा। या कुछ प्रोसीजर ऐसे होते हैं जिसके पास सर्वेलेंस की यानी वो 1-2 साल बाद आके डॉक्टर को दिखाना एंडोस्कोपी की ज़रूरत है तो ये वो सर्वेलेंस में रहते हैं लेकिन अगर वो ये सब ये ना करवाएं तो वो जो रोड है जो ओबेसिटी का जा रहा है तो उसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम हो जाती है उसकी कॉम्प्लिकेशन की वजह से मोटापे की। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब ख़ास तौर पर एक और बात भी आपसे ये पूछना चाहेंगे कि एक चीज़ आप मतलब आपकी जब मैंने गुज़िश्ता एक इंटरव्यू लिया था आपका तो एक टर्म आपने यूज़ की थी विच इज़ यो यो डाइटिंग तो ये क्या है? यो यो डाइटिंग ये है कि आपने जैसे यो यो होता है जो नीचे जाता है फिर ऊपर आ जाता है तो आप किसी ने डाइटिंग की उसने वेट रिड्यूस तो किया लेकिन जब वो एक पॉइंट पे पहुंच गया लाइक 3-4 kg वेट रिड्यूस कर दिया अब वो गिव अप कर गया उसकी जो एफर्ट्स थी वो ख़त्म हो गए अब उसने दोबारा से बैक टू रूटीन आ गया बैक टू अपना डाइट आ गया अब जो वेट गेन होगा ना वो लेट से अगर वो 75 पे था वो 85 पे जाकर रुकेगा तो वो ईच टाइम डाइटिंग और फिर उसको खाना खाना उससे वेट बढ़ता जाएगा।
ठीक। तो अच्छा डॉक्टर साहब, साथ साथ आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि नॉर्मल अगर रूटीन है यानी एक बंदे की, तो उसे नॉर्मल रूटीन में मोटापे से बचने के लिए क्या क्या करते रहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले कैलोरी अवेयरनेस होना जरूरी है। हर चीज़ जो आप खाते हैं, अब मार्केट से लेते हैं, उसके डब्बे पैकेट के पीछे लिखा हुआ होता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें, इसमें कितनी कैलोरीज है। ठीक। एक नॉर्मल इंडिविजुअल को 2000 या 2200 कैलोरीज एक दिन में चाहिए होती है। जो भी एक्सेस कैलोरी होगी वो आपके बॉडी में डिपॉजिट होगी इन टर्म्स ऑफ फैट। सेकेंड, रूटीन में कोई फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज, गेम ज़रूर रखें ताकि ओबेसिटी ना हो। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ख़ासतौर पर वो अफराद के जैसे जिम एक्टिविटी है जिनकी, या बहुत ज़्यादा जैसे स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हैं, तो कुछ लोगों का ये भी देखा गया है कि उनकी स्पेशल एक रूटीन होती है ख़ासतौर पर, या कुछ ग़िज़ाएँ ऐसी होती हैं कि जो वो बहुत ज़्यादा इनटेक लेते हैं, लेकिन ये भी देखने में आया है कि जैसे ही वो अपनी रूटीन से हटते हैं, जैसे अमूमन मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि जिनकी शादी नहीं हुई होती तो तब तक तो उनकी फ़िज़िक्स बहुत अच्छी रहती है, लेकिन जैसे वो शादीशुदा हो जाते हैं तो शायद पता नहीं वो एक्सरसाइज छोड़ देते हैं या क्या करते हैं, तो बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं। देखिए, इससे शादी से तो उसका लिंक नहीं, ये लिंक हो सकता है कि खाने का कैलोरीज इंक्रीज हो गए, यानी कि खाने की जो है ना वो बढ़ गई, हो सकता है अपना वर्कआउट भी उसने कम कर दिया हो या छोड़ दिया। एक वजह ये हो सकती है वर्कआउट कम हो गया, ठीक है, रूटीन में नहीं रहा। फीमेल्स में खासतौर पर प्रेगनेंसी के बाद ओबेसिटी हो जाना, या वो ये होता है कि उनकी कंप्लेन ये होती है कि बच्चों को जो बना के दे रहे हैं वो खुद भी खा रहे होते हैं, ठीक है ना, उसको उनको फ्राइज बना रहे हैं तो वो भी खा लेते हैं, बच्चे चूँकि बार बार मांग रहे हैं तो माँ भी बार बार थोड़ा थोड़ा खा रही है, तो कैलोरीज इनटेक इस तरह उनमें बढ़ जाती है। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल जो कि आपकी ज़ाती ज़िंदगी से मुतालिक भी है कि आपने इसी शोबे का इंतखाब क्यों किया? देखिए, ये इंटरेस्ट है, हर चीज़ का शौक है, तो जब लैप्रोस्कोप स्टार्ट किया मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी, उसके बाद फिर काम करने का मौका मिला ओबेसिटी सर्जरी से, तो उसमें एक इंटरेस्ट डेवलप हो गया और फिर उसी को रिलेटेड बहुत सारी वर्कशॉप्स की, बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस की, तब उसमें बस एक तरह के अल्लाह ताला ने एक रास्ता उसमें बना दिया। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, एक टर्म यूज़ होती है की होल सर्जरी, तो मैं चाहूँगा कि इसके हवाले से भी आप हमारे व्यूवर्स को बताएंगे क्या है। हाँ, कि की होल सर्जरी जो है वो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का नॉर्मल टर्म में बहुत सारे लोग कैमरे वाला ऑपरेशन या लेज़र का ऑपरेशन भी कहते हैं कि जिसका निशान कम आता है, तकलीफ कम होती है, तो लेमैन में बहुत सारे नाम इससे रिलेटेड मशहूर हैं, ठीक है, की होल सर्जरी भी उनमें से एक है। तो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, की होल सर्जरी, लेज़र से ऑपरेशन, ये सब एक टर्म में लोग कंसिडर करते हैं इसको। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, चूँकि इस वक्त हम अपने प्रोग्राम के आखिरी पार्ट में दाखिल हो चुके हैं, तो मैं चाहूँगा कि कोई ख़ास पैगाम जो आप हमारे नाज़रीन को देना चाहें। देखिए, ये कि जो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी है वो एक नई चीज़ है जिससे निशान कम पड़ता है और ऑपरेशन मरीज़ वापस जल्दी से बैक टू रूटीन आ जाता है, तो लेकिन बहुत सारी जगह हमको मरीज़ को समझाने में ये मुश्किल होती है, तो अपने डॉक्टर पे ट्रस्ट करें, बिलीव करें जो वो कह रहा है, और दूसरा ओबेसिटी के हवाले से अपनी डाइट को कंट्रोल करें और फिज़िकल एक्टिविटी अपनी अच्छी रखें ताकि ओबेसिटी ना हो। ठीक डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने मसूलियात में से वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। एक बार फिर इंतहाई मशहूर, इंतहाई ममनून कि आपने अपनी मसूलियात में से वक्त दिया। थैंक यू सो मच। जी हाँ नाज़रीन, ये थे डॉक्टर सैयद आसिफ अली, लैप्रोस्कोपिक एंड वेट लॉस सर्जन, पार्क लेन हॉस्पिटल। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा, और इसके साथ साथ एक अपील कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी दबाइए ताकि हमारा हर नया नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। अपने मेज़बान यासिर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।